टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीन वर्ड्स है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, आर्टिकल आ गया रिफ्लेक्शन, आर्टिकल आ गया इंटरनल रिफ्लेक्शन, आर्टिकल आ गया टोटल एक वर्ड, इंटरनल दूजा वर्ड, रिफ्लेक्शन तीजा। जरा पहला चैप्टर पढ़िया उत्थे कला वर्ड रिफ्लेक्शन सीगा। तो की मतलब इहदा, सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, इत्थों लाइट है, ये गई, ये मीडियम चेंज होया। जे असीं अब्जॉर्प्शन निगलैक्ट कर दीए, अब्जॉर्प्शन चलने लई घट ही हुंदी है, ये अगे चलेगी, स्टेट जाएगी अनडेविएटेड रिफ्रैक्शन, कुछ वापस आ गई इत्थों। जिहड़ी वापस आई इत्थों उहदा कहिंदे आ उहनूं इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिहड़ी वापस आई है। हुण जे इदां जांदे, ये डेंसर है, ये रेयरर, सो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रिफ्रैक्शन नाल रिफ्लैक्शन भी होगी। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रिफ्लैक्शन, इंटरनल रे, इंटरनली रिफ्लैक्टेड बैक टू सेम मीडियम, वापस उसे मीडियम च आ गई, इंटरनल रिफ्लैक्शन, बिना मिरर लाया रिफ्लैक्शन होगी। वैसे रिफ्लैक्शन हर जगह तो होंगी, जरूरी नहीं मिरर है, तो सो ये इंटरनल रिफ्लैक्शन, ये रिफ्रैक्शन। नो असी आई ग्रेड एंगल इनक्रीज किया, जे आई इनक्रीज किया आर भी इनक्रीज करेगा, एक सिचुएशन आएगी जिथे आर 90 हो जाएगा। सो ए रे का कुछ पार्ट इधर आएगा, कुछ इधर जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इंटरनल रिफ्लैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन टच करके जाएगी रे, इदा तुम दसना है आ रे इदा जाएगी, क्वेश्चन करांगे असं, इस मीडियम में ग्रेज करके जा रही है, ये इनू की कहें इंटरनल रिफ्लैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। जिस एंगल ऑफ इंसीडेंस से आर 90 हो गया, उस एंगल ऑफ इंसीडेंस में लोग कहते क्रिटिकल एंगल, एनसीआरटी सिंबल है आई सी, मैं सिंबल सिंपली सी लिखता सी। सो दैट एंगल ऑफ इंसीडेंस वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज अ क्रिटिकल एंगल। नो जे असी इत्थे स्नेल्स लॉ यूज करिए, रे जा रही है बी तो ए वल, बी म्यू ए शुड बी साइन आई बाई साइन आर, इस सिचुएशन च आई का नाम रखिया सी सी, आर का नाम रखिया 90, साइन 91 हुंदा साइन सी, ये रिफ्रैक्टिव हैगा इंडैक्स हैगा ए का विद रिस्पैक्ट टू बी, रेयरर का विद रिस्पैक्ट टू डेंसर। जिन्हें असी फार्मूले लिखांगे ना उत्थे लिखांगे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स डेंसर का विद रिस्पैक्ट टू रेयरर। सो जे मैं लिखा ए म्यू बी, तुसी की पढ़िया ए बी बी, ए म्यू बी इज रेसीप्रोकल बी म्यू ए, एदा रेसीप्रोकल है, सो इट विल बी, एदा रेसीप्रोकल की आएगा 1 बाई बी म्यू ए, दैट इज 1 बाई साइन सी। नो इफ ए इज हेयर, फिर असी इहनू बोल देंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, एदा नाम असी रख देंगे म्यू 1 बाई साइन सी। सो ए रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एंड क्रिटिकल एंगल च, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एंड क्रिटिकल एंगल च। सो मैं की प्रूव किया, म्यू इज 1 बाई साइन सी, ये म्यू तुसी की याद करो कि ये म्यू है डेंसर का विद रिस्पैक्ट टू रेयरर, इदा याद करना डेंसर का की याद करोगे, डेंसर का विद रिस्पैक्ट टू रेयरर,
इनों पर लिख सकते हैं म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर 1/sin c, और साइन सी कितना आ जाएगा, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, कटना पड़ना क्रिटिकल एंगल। तो तुसी की याद करोगे, म्यू डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर है, जे रेयर वैक्यूम है और यू कैन से एयर है, फिर ए एब्सोल्यूट बन जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदा मतलब क्रिटिकल एंगल किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, साइन सी 1/μ, क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करेगा, जिते म्यू करेगा, म्यू कितने करता है पहले दसता है, इतने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, परमेबिलिटी नहीं है। सो म्यू कितने डिपेंड करता, नेचर ऑफ मीडियम, लिटल बिट वेवलेंथ या कलर से, एंड फिजिकल कंडीशन से। हुण आपां देखिए किस कलर ले क्रिटिकल एंगल घट होएगा, किस कलर ले ज़्यादा होएगा। जिदा मैं तुहानूं दस्सिया कोचिस फॉर्मूला, अगला चैप्टर उही होएगा। कोचिस फॉर्मूला की कहिंदा है, सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बखरे बखरे कलर लिए डिफरेंट होएगा। रिफ्रैक्शन का कॉज की है, सेम कलर की वेलोसिटी बखरे 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 मीडियम से डिफरेंट होएगी। मेरे कोचिस फार्मूला की कहते हैं, ग्लास से रेड की वेलोसिटी डिफरेंट होएगी, ब्लू से वेलोसिटी डिफरेंट होएगी। एक कॉज है जिसका अगला चैप्टर है डिस्पर्शन। तो स्टिल इतने यूज हो रहा है कोची फार्मूले मुताबिक, म्यू है ए प्लस बी बाई लैमडा स्केयर प्लस सी बाई लैमडा फोर प्लस सोन, इनू कहते कोचिस फार्मूला। ए बी सी लोग कोचिस कॉन्सटेंट कहते हैं, यह मतलब है जो लैमडा ज्यादा होगा म्यू घट होएगा, पर यह मेन कॉन्सटेंट है, वीक कॉन्सटेंट है। तो इतों यह नहीं कहना, कई बच्चे कहते हैं म्यू इज यूनिवर्सली प्रपोर्शनल टू लैमडा स्केयर, यह देख के ये गलत है। यदा मतलब जो लैमडा डबल हो गया, जो लैमडा डबल हो गया इट बिकम्स 1/4, यह गलत होएगा। वीकली डिपेंड करता है, मेन कॉन्सटेंट ये है, थोड़ा जहा करेगा, बिल्कुल थोड़ा। तो वायलेट की वेवलेंथ रेड तो घट होंगी है, नियरली वैसे हाफ ही होंगी है। वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, रेड की 750 नैनोमीटर। तो जिदी वेवलेंथ घट होएगी ना, उसका म्यू ज़्यादा होगा, म्यू वी इज मोर दैन म्यू आर। सो जिदा म्यू ज़्यादा होएगा उसका क्रिटिकल एंगल घट होएगा। सो क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट लैस है, रेड लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। की बोलिया, उस एंगल नूं क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिथे आर 90 डिग्री है। जे क्रिटिकल एंगल तो इंसीडेंट कीती रे, जे ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, इदा आनी रे, हाँ इदा भी आनी है, ये इंटरनल रिफ्लैक्शन, ये रिफ्रैक्शन। तो क्रिटिकल एंगल कलर पर डिपेंड करता है, वायलेट का लैस है रेड तो, यदा मतलब असं थोड़ी देर तक फिर देखते हैं। हुण वापस इस डायग्राम से आ जाइए। सो एज लोंग एज आई लैस दैन और इक्वल टू सी है, ये रे इंसीडेंट दो पार्ट डिवाइड हो रही है, रिफ्लैक्ट हो रही है, लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन के मुताबिक इनू की कहते हैं, इंटरनल रिफ्लैक्शन नाल नैक्सट मीडियम जा रही है। इफ आई इनक्रीजिज बियोंड दिस, जे आई ये तो वड्डा हो गया, स्नेल्स लॉ कहिंदा जे आई इनक्रीज किया तो आर भी इनक्रीज करना चाहिए। पर माई डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आर 90 तो वड्डा नहीं हो सकता, आर 90 तो वड्डा हो ही नहीं सकता। इहदा मतलब हुण रे इधर बिल्कुल नहीं जा सकती, देयर इज नो स्कोप, बिल्कुल नहीं जाएगी अगले मीडियम च, बिल्कुल नहीं जाएगी, 0.0001% अपनी जाए जा ही नहीं सकती, सारी वापस आएगी सेम मीडियम च। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन इनू कहते हैं
टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन जिहड़ी ए सी इंटरनल रिफ्लैक्शन इत्थे सारी रिफ्लैक्शन नहीं हुई सी इत्थे 100% रिफ्लैक्शन होगी रे दूजे मीडियम च नहीं जाएगी 100% तो थोड़ा जिहा गलत हो सकता है अगले मीडियम तो नहीं जाएगी अबजॉर्ब हो सकती लिटल बिट सो आर्टिकल दे तीन नाम ने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन रे इज टोटली रिफ्लैक्टड बैक टू सेम मीडियम इंटरनली लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन मुताबिक होगी सो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कदों होगी नंबर एक रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जे रेयरर टू डेंसर जा रही टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन कदे नहीं हो सकती इम्पॉसिबल नंबर टू एंगल ऑफ इंसीडेंस मस्ट बी मोर दैन क्रिटिकल एंगल हूँ इतने देख लेना जिन्ना क्रिटिकल एंगल की वैल्यू घट होगी ना उन्ने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के चांसिस ज़्यादा हो गए एक बार सपोज क्रिटिकल एंगल हैगा से 42 डिग्री एक बार क्रिटिकल एंगल हैगा से 24 डिग्री ये जिन्निया रे दे मोर दैन 42 है और वो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होगी ये उन्हें सारिया रे की टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होगी जिथे आई ग्रेटर दैन 24 है सो इत्थे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन चांसेस ज़्यादा ने इत्थे घट है सो जितने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू घट होगी उन्नी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हूँ जिदा मैं तुम थोड़ी देर पहला कहा क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता कलर से वायलेटली क्रिटिकल एंगल रेड तो घट है एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है प्रिजम है इतने तीन कलर इंसीडेंट किते वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड से ब्लू है ग्रीन एंड येलो जे ग्रीन इदा जा रहे हैं यदा मतलब ग्रीन लिए एंगल क्रिटिकल के बराबर है तो ब्लू किधर जाएगा येलो किधर जाएगा तो मैं ये पढ़ाया जे असी इधर जावे न्यू इनक्रीज करेगा क्रिटिकल डिक्रीज करेगा सो जे ग्रीन ये है ब्लू लिए क्रिटिकल एंगल इस तो घट होएगा मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होएगी सो ब्लू ये होएगा सो जे ग्रीन लिए क्रिटिकल एंगल ये है येलो लिए क्रिटिकल एंगल इस तो ज़्यादा होएगा जे ज़्यादा होएगा क्रिटिकल सपोज कर लो भी ग्रीन लिए क्रिटिकल एंगल 40 है तो ब्लू लिए 39 हो सकता है येलो लिए 41 सो जी इंसीडेंट लैस दैन येलो लैस दैन क्रिटिकल सो वो बाहर जाएगी सो जिदा वेवलेंथ घट रही है जे यदि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रही है तो यदि पक्का होएगी यदि पक्का होएगी जे यदि नहीं हो रही यदि बिल्कुल नहीं होएगी यदि बिल्कुल नहीं होएगी यदि बिल्कुल नहीं होएगी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हूँ ये तो बाद एप्लीकेशंस है टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन एप्लीकेशंस सो पहली एप्लीकेशन है सो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ता होएगी इफ रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एन एंगल ऑफ इंसीडेंस मस्ट बी मोर दैन क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल तुम इदा कटोगे 1/μ ए डेंसर का होएगा विद रिस्पैक्ट टू रेयरर इट विल बी म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर जे रेयरर हवा है तो इनू 1 ले लेंगे ए म्यू इनू कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
Now, we shall discuss applications of total internal reflection. First application is mirage. मिराज का मतलब है ऑप्टिकल इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब पंजाबी क्या गलत फहमी है, कुछ देखना कुछ जो तुम अजकल देखते हो समर दे विच दो दूर रोड तो बड़ी चमकरी तुम लगता उत्थे पानी है पर जब आप उत्थे जाने पानी पुनी कख नहीं लगता. दिस इज वॉट मिराज. रोड्स के भी होंगी है, डैजर्ट्स के भी होंगी है. क्यों होंगी है? डैजर्ट के सपोज ये पाम ट्री है, ये कोई आदमी दूर अपने ऊंटते आ रहा है. डैजर्ट सैंड की है, सैंड की स्पैसीफिक हीट बहुत घट है, बहुत घट नहीं मतलब बाकी चीज़ों को घट है, जल्दी गर्म होंगी है जल्दी ठंडी. सो दोपहर न सैंड हॉट हो जाएगी, सो ये हवा गर्म होकर उपर चली जाएगी कन्वैक्शन करके. यहाँ मतलब ये मीडियम डेंसर है, ये की है रेयर, ये डेंसर ये रेयर आ रहे दाई. सो कितों कितने जा रहे उपर रेयर थले डेंसर, गलत हो गया. जब उपर चलेगी हवा इट इज रेयर इट इज डेंसर, हवा गर्म होकर उपर चलेगी इट इज रेयर इट इज डेंसर. सो ये रे डेंसर टू रेयर जा रही है. इफ दिस एंगल इज मोर दैन क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जाएगी. इस आदमी यदा पुट्ठा इमेज देखेगा, इतने पुट्ठा इमेज, पुट्ठा इमेज आ जगह शाइन करेगी, इतों लाइट बहुत रिफ्लैक्ट होगी. टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन मीन सारी रिफ्लैक्शन शाइन करेगी. वो सपोज करेगा भी इतने पानी है, जिते पानी चाहे पुट्ठा इमेज बन रही है. पानी सरफेस प्लेन होंगी है, प्लेन सरफेस रिफ्लैक्ट्स मोर, रफ सरफेस रिफ्लैक्ट्स लैस अबजॉर्ब्स मोर, प्लस वन हीट पढ़िया. सो इत रिफ्लैक्शन द कॉज टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है. सेंड के नाल स्पेसिफिकेट लो है, गर्म होगी हवा, गर्म होकर उपर चलेगी कन्वैक्शन करंट्स. तो थले रेरन मीडियम उपर डेंसर, सो ए डेंसर टू रेरन जा रही है. इफ दिस इज मोर दैन क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, पुट्ठा इमेज देखेगा, वो सोचेगा इतने पानी है, वह ब्रेन सोचेगा पानी है जिसे पुट्ठा इमेज बन रहा है. पर जो इतने जाता है कोई पानी पुणी कुछ नहीं मिलता, बिकॉज इट्स ए मिसलीडिंग रिजल्ट. दैन अगली एप्लीकेशन तो उल्ट है, लूमिंग, बिल्कुल उल्ट. लूमिंग, लूमिंग होंदी है हिल्स दे विच जिथे बर्फ काफ़ी ज़्यादा पई हुई है. लूमिंग की होएगा, सपोज ये पहाड़ है, बर्फ पई है, बहुत ज़्यादा बर्फ है, तुसी इत्थे कोई ऑब्जेक्ट इत्थे है, बर्फ पई है, बर्फ ठंडी है. सो जिहड़ी हवा बर्फ नूं टच कर रही है ठंडी होगी, ठंडी चीज़ डेंस होंदी है, नीचे बैठेगी, उपर टैंपरेचर घट है. सो डेजर्ट तो उल्ट आएगी, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है. बर्फ लो टैंपरेचर, सो जिहड़ी हवा आती है उसके नाल ठंडी हो गई है, ठंडे मीनस की पड़े प्लस वन मोर डेंस, नीचे रहेगी उपर रेयर. सो थले डेंसर मीडियम होएगा, उपर रेयर मीडियम. नो ये कोई चीज़ है जी इन डायरैक्ट नहीं दिखाई दे रही, ऑब्सटैकल है, बिच हिल है. हुण रे इदा गई, किस मीडियम, किस मीडियम जा रही है? डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर. सो जे एंगल मोर दैन क्रिटिकल है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होगी. आ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होगी, आ चीज़ जी डायरेक्ट नहीं दिख रही, इतने हवा सस्पेंडर दिखाई देगी, हवा सस्पेंडर, इनू कहते लूमिंग. जिथे कोई
एनिमल है हवा च दिखेगा इतने सस्पेंडेड, जे इतने कोई चल रहा कोई कार जीप हवा च दिखाई देगी, एक्चुअल होंगे लूमिंग दे विच। सपोज इतने कोई ब्यूटीफुल लेडी है पहाड़ी हवा च दिखाई देगी, इतने लोग कोई कहेगा भी देवी है, कोई कुछ कहेगा, यही इतने चलेगी बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो मैं ये बेस पर एक छोटी जी गल याद आ रही है, सपोज तुसी कार दे विच ड्राइविंग कर रहे हो, ये सपोज तुसी कार से ड्राइविंग कर रहे हो, पिछे थोड़े पापा मम्मी बैठे है, तुसी कार से ड्राइविंग कर रहे हो पिछे पापा मम्मी बैठे है, तुसी की देखोगे इत्थे कोई लेडी है हवा च दिखेगी उपर, तुसी देख के कहोगे पापा चढ़ेल, हवा च दिखी है तुसी कहोगे पापा चढ़ेल, पिछे मम्मी पापा बैठे है, पापा ने तो चपेट मारनी है की कहना भी तू अगे चढ़ेल कितने देख ली है, चढ़ेल के पिछे मेरे न बैठी है। सो ये क्यों हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, बिकॉज ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, जिहड़ी ये चीज़ है ये रेयर है। सो जिहड़ी चीज़ मैं तुम कही ना भी पापा ने कहना भी चढ़ेल तू कितने देखी है, चढ़ेल के पिछे मेरे न बैठी है, ये गल मम्मी ने दसनी, पापा ने बेशक दस दियो ने मम्मी ने मेरे नाल लड़ना जाना है। तो इट्स लूमिंग, हवा के सस्पेंडेड चीज़ दिखाई देती है, एक्चुअल दिखाई देती है हिल्स के जिथे बर्फ बहुत ज़्यादा होएगी। एक होर एप्लीकेशन असी डिस्कस की है टोटल रिफलैक्टिंग प्रिजम, टोटल रिफलैक्टिंग प्रिजम। तो इस तो पहला जे असी रे का पाथ डेविएट करना असी मिरर यूज कर सकते हैं, तो उन्हें पढ़ाता एक मिरर किन्नी डेविएशन प्रोड्यूस कर दे, एक मिरर जे ये एंगल थीटा ए भी थीटा तो आ डेविएशन किन्नी होएगी 180 माइनस 2 थीटा, इन्नी डेविएशन प्रोड्यूस करेगा एक मिरर। जे नॉर्मली मोड़नी है वापस पाथ करना, नॉर्मली इंसीडेंट कर दियो वापस ये 180 डिग्री घूम गई, जे 90 डिग्री घुमानी है 45 से इंसीडेंट कर दियो 45 ये 90 डिग्री से घूम जाएगी, एक मिरर इन्नी डेविएशन प्रोड्यूस करता। जे दो मिरर होने किन्नी डेविएशन प्रोड्यूस करेंगे, ये डिपेंड करता भी दोनों डेविएशन सेम पासे प्रोड्यूस कर रहे कि उल्ट पासे, सेम पासे मीनस एक क्लॉक वाइज पासे घुमा रहा दूजा भी क्लॉक वाइज घुमा रहा। सो जे एक डेविएशन डेल्टा वन कर रहा दूजा डेल्टा टू, फिर टोटल डेविएशन ये हो जाएगी प्रोवाइडेड बोथ प्रोड्यूस डेविएशन इन सेम डायरेक्शन, आइदर बोथ इन क्लॉक वाइज और बोथ इन एंटी क्लॉक वाइज। जे उल्ट पासे करे एक क्लॉक वाइज दूजा एंटी क्लॉक वाइज, एक इधर मोड़ दे दूजा दूजे पासे मोड़ दे, फिर डेविएशन होएगी ये। सो मिरर रे नूं मोड़न दा डेविएट करन दा अच्छा मैथड है, सस्ता मैथड है, पर मिरर 100% रिफ्लैक्शन नहीं करते, घट करनगे जिस करके इमेज की इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। मिरर जे असीं रिफ्लैक्शन प्रिजम नाल करांगे ग्लास नाल करांगे फिर टोटल रिफ्लैक्शन होंदी है। ग्लास का म्यू 1.5 है, जे क्रिटिकल एंगल कढ़ोगे 1/μ 1.5, ये क्रिटिकल एंगल अराउंड 42 डिग्री आएगा। सो जे रे ग्लास तो हवा च गई तो इंसीडेंस ये तो ज़्यादा है, फिर हवा च बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। सो टोटल रिफ्लैक्टिंग प्रिजम दे विच असे तीन सिचुएशन दित्तियां ने, जे रे नूं 90 डिग्री टर्न करना किदां टर्न करांगे, तो जे 90 डिग्री टर्न करना है सपोज ये रे नॉर्मली इंसीडेंट कीते स्टेट जाएगी, स्नेल्स लॉ नूं नहीं ओबे करदी। नाउ आ एंगल 45 है, ये भी 45 है,
दोनों साइड इक्वल ही हैं आइसोसेलेस प्रिज्म। नो ये एंगल 45 बन जाएगा, दिस इज 90, ए 45, ए 45। नो ये एंगल मोर देन क्रिटिकल है, क्रिटिकल कितना ग्लास ले 42। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, इतने नॉर्मली स्टेट जाएगी। सो रे हैज बीन डेविएटेड बाय 90 डिग्री। सो जे 90 डिग्री डेविएट करनी है इदा होगी, जे 180 डिग्री डेविएट करनी फिर की होगा। जैसे 180 डिग्री करनी है ये हाइपोटेन्यूज है, ए 90 डिग्री, ए 45, ए 45। मिरर दे विच 180 करनी नॉर्मली इंसीडेंट कर दो वापस चलेगी। सो इंसीडेंट पाथ इमरजेंट एंगल कितना हो गया 180। सो जे इत्थे करनी है ये नॉर्मली स्टेट जाएगी, स्नेल्स लॉ नहीं लगता इत्थे, 45 मोर देन क्रिटिकल, ग्लासली क्रिटिकल एंगल कितना 42 डिग्री। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, फिर ये एंगल भी 45 होएगा, मोर देन क्रिटिकल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इत्थे रिफ्लेक्शन ही होनी है। सो रे दा पाथ उल्ट हो गया, सो इत्थे डेविएशन कितनी होएगी 180 डिग्री, इत्थे डेविएशन कितनी है 90 डिग्री। नो कई बार की होंदा है कई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पुट्ठा इमेज बनता है, मिरर कुनके मिरर तुसी पढ़ चुके हो, जे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ है तो पुट्ठा इमेज बनेगा, लेंस पढ़ोगे उस भी इदा होंदा है। जे पुट्ठे इमेज नो इरेक्ट करना है फिर भी असी प्रिज्म यूज कर सकते हैं, टोटल रिफ्लैक्शन दे विच वो किदा होंदा है। सो ए हाइपोटेन्यूज है, ए भी 45 है, ए भी 45, ए 90, आ चीज है सपोज। तो इस दे विच ए रे इदा गई इधर जाएगी, फिर इधर आ गई, ए रे इदा, ए की देख रहे हो थले वाली रे उपर चलेगी, उपर वाली रे नीचे आ गई। सो जी आ चीज है ये हो जाएगी। जे इरैक्ट है तो पुट्ठा इमेज बन जाएगा, जे पुट्ठा होंदा तो इरैक्ट हो जाएगा। सो इनू कहिंदे आ टोटल रिफ्लैक्टिंग प्रिज्म। किस चीज़ ते बेस्ड है? टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ते। नो एक होर टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन से वर्क करती है। इसनों असी यूज कितने करते हैं? लाइट नू उस जगह दल जान ली जिथे लाइट यूजली नहीं जा सकती, बिकॉज लाइट फॉलोज अ रेक्टिलिनियर पाथ, तो लाइट की वेवलेंथ इन्नी छोटी है जे रस्ते डस्ट पार्टिकल भी आ गया लाइट नू ब्लॉक कर देगी। लाइट की वेवलेंथ इन्नी घट है जे रस्ते डस्ट पार्टिकल भी आ गया उन्हें ब्लॉक कर देती है। जैसी लाइट अगे ले जानी है उस जगह ले जानी जिथे लाइट यूजली नहीं पहुँचती, उन्होंने असं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते जिन्होंने कहते ऑप्टिकल फाइबर। तुहाडे घर कईआं दे होएगी लाइट बाल जे होंदे, वो जिहड़े बाल जे है वो ऑप्टिकल फाइबर है, थले लाइट जगदी है, वो बाल ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये हेयर पतलिया पतलिया पाइप्स ने, पतलिया पतलिया पाइप्स ये ऑप्टिकल फाइबर ने, इत्थे लाइट आ जाती, इत्थे तो देखेगा इत्थे लाइट आती है, सोर्स ये है, इत्थों लाइट इन्हां विचों इन्हां पाइप्स के विचों लाइट जा रही है। किसने तुहाडे मोस्ट कईआं दे घर च होएगा ये ऑप्टिकल फाइबर की हुंदी है। बाद दी गल ये प्रिंसीपल की है, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सिलेबस मैनशनड है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, की काम आती है
उस जगह पर लाइट नू जा कोई होर सिग्नल भी हो सकता ईएम वेव का, नॉट ओनली लाइट, उस जगह लाइट पहुँचाने लिए, उस जगह वेव पहुँचाने लिए जिथे यूजली लाइट नहीं जा सकती, ब्लॉक हो रही है किसी रीजन करके। हुण है कि है ये डेंसर मीडियम है, हाईली प्योर ग्लास का, बिच इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जे इंप्योरिटी है स्कैटर कर देगी। ये आसे पासे रेयर मीडियम है जिन्हों इनू कहते हैं क्लैडिंग, यह है कोटिंग, रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, ये रेयर है। हुण ये से लाइट आई किस मीडियम जा रही है, रेयर टू डेंसर, नॉर्मल वल मुड़ जाएगी। नाउ अगेन ये डेंसर टू रेयर, इफ दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होएगी, इदा 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 अल्टीमेटली ये बाहर निकल जाएगी। जे पाइप बेंड होगी ये इदा मुड़ के पूरी लाइट आ जानी इत्थे सारी, बिकॉज टोटल रिफ्लैक्शन हो रही है। सो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जिदा असीं नोट्स के एग्जाम्पल दिते है भी जी ये मटीरियल है फाइबर मटीरियल, यदा रिफेक्टिव इंडेक्स 1.7 लिया, जी उपर कोटिंग है वह 1.5, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होगी। सो जे इतने लाइट नहीं जा सकती, हूँ इतने पहुंचेगी मल्टीपल रिफ्लैक्शन के नाल, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रही है, सारी लाइट इतने पहुंच जाएगी। यू कहते लाइट पाइप, कंप्यूटर च मशीन का एक पार्ट में दूजे पार्ट नाल वेव ना ऑपरेट करना, वेव के नाल रस्ते होर चीज़ा ने तारा ने लाइट वेव नू ब्लॉक कर रहे हैं, तो की करते हैं उस पार्ट नू ऑप्टिकल फाइबर नाल ज्वाइन कर देंगे, पतली जिहा बाल हुंदा हेयर लाइट पाइप वेरी थिन, इन्हां लाइट किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकती विदाउट एनी एटेन्यूएशन, प्रोवाइडेड ये प्योर हो। जे इंप्योरिटी आ गई तो स्कैटर कर देगा, फिर लाइट बाहर निकल सकती है। फिर की लिखा से इनू यूज करते हैं, ब्रांचोस्कोप डॉक्टर यूज करते, क्रिस्टलोस्कोप मैडिकल वाले। हुण एक असी होर लिखिया टॉपिक डायमंड, डायमंड भी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन से वर्क करता है। डायमंड आलसो वर्क्स अपॉन टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो डायमंड शाइन क्यों कर देना ज़्यादा, वो रीज़न की है, थोड़ा केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं, डायमंड भी तो कोला दोने कार्बन शेप है, कोले की प्रैक्टिकल वैल्यू तो डायमंड की प्रैक्टिकल वैल्यू तुम कंपेयर कर सकते हो। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.47 डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हैगा, से यस 2.47। जे क्रिटिकल एंगल कढ़ांगे 1/μ, ये क्रिटिकल एंगल का बहुत छोटा, से अराउंड 23 to 24 degree। की पढ़ाया जिन्ना क्रिटिकल एंगल घट हुंदा उन्नी टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के चांसिस की होंगे है ज़्यादा होंगे है। सो जो मकैनिक डायमंड नाल डील कर रहा है उन्होंने इदा कट करता है, लाइट तो सारे पास अंदर आ जाएगी, जी बाहरों आ रही है लाइट, ये आ रही रेयर टू डेंसर, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जी अंदरों बाहर जाएगी ये डेंसर टू रेयर है। एंड इफ दिस एंगल इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, बाहर नहीं निकल सकेगी, जे बाहर निकल सकेगी लाइट इकट्ठी होंगी रहेगी। इमेजिन करो इतने कई पास तो आदमी आ रहे हैं, कई पास तो आ रहे हैं, चारे पास तो नैचुरली इतने इकट्ठे हो जाएंगे। सो इस लाइट चारे पास तो एंटर कर रही है क्योंकि रेयर टू डेंसर है, पर जरा इन कट डील कर दो, इदा कट करता है लाइट कुछ पोस्ट पास तो बाहर निकले, ओनली फ्यू साइड तो बाहर निकले, सो सारे पास तो एंटर कर रही है।
तो बाहर किसी एक पास तो निकलेगी तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा निकलेगी, इस करके शाइन करते हैं। सो यह रीज़न की है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बहुत ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा होने करके क्रिटिकल एंगल घट है, टोटल रिफ्लैक्शन के चांसिस ज़्यादा ने। तो कुछ साडा होर टॉपिक रहिंदे रिफ्रैक्शन कंपेयर। सो रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस खत्म हो गई है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस असीं नैक्सट टाइम करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।